चंद्रयान 3 की सफलता से पूरे देश में जश्न का माहौल है। मिशन की सफलता को लेकर दुनिया भर में इसरो की जय जयकार हो रही है। इसी बीच रविवार को इसरो चीफ एस सोमनाथ केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूर्ण मिकबू भद्रकाली मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद इसरो चेयरमैन ने विज्ञान और अध्यात्म को लेकर बातचीत की और फिर प्रज्ञान रोवर और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े अपडेट्स भी शेयर किए। एस सोमनाथ ने कहा, देखिए मैं एक एक्सप्लोरर यानी खोज करता हूँ। मैं चांद पर खोज करता हूँ और आंतरिक रहस्यों की भी खोज करता हूँ, तो ये भी मेरे जीवन की यात्रा का हिस्सा है। मैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों की खोज में निकला हूँ। मैं कई कई मंदिरों में जाते रहता हूँ। मैंने कई धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा है, तो मैं हमारे अस्तित्व से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सभी एक ऐसे कल्चर का हिस्सा है जिसमें हम इनर सेल्फ यानी आंतरिक स्व और आउटर सेल्फ यानी बाहरी स्व की खोज करते हैं। तो आउटर सेल्फ के लिए मैं विज्ञान का काम करता हूं और इनर सेल्फ के लिए मैं मंदिरों में आता हूं। चंद्रयान 3 मिशन की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए इसरो चेयरमैन ने आगे कहा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। चंद्रयान 3, लैंडर, रोवर सब अच्छे से काम कर रहे हैं और जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड हैं वो भी सही से काम कर रहे हैं। अब वो हमें काफी शानदार डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 10 दिनों यानी 3 सितंबर तक हम लोग बाकी बचे सभी एक्सपेरिमेंट्स पूरा कर लेंगे। इसमें कई तरह के मूड्स यानी चांद की सतह के अलग अलग रहस्य हैं जिसे टेस्ट किया जाना है। हमें कई साइट्स को टेस्ट करना है जहां रोवर जा रहा है, क्योंकि वो खनिजों से जुड़े कई टेस्ट करने वाला है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो चांद की सतह पर अलग अलग जगहों पर जाएं। तो वो यानी रोवर घूमकर सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा। हम लोग यहां से उसको मॉनिटर करेंगे। हमें सभी फोटोज लेने होंगे। हमारे पास चांद की अब तक की सबसे अच्छी फोटो है, चांद की सतह की सबसे नजदीक फोटो। वो हमारे लिए काफी कीमती है क्योंकि वो अब तक दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं। कुछ समय में वो सब आएंगे क्योंकि सारी चीजें हमारे इंडियन स्पेसक्राफ्ट एंड एक्सप्लोरेशन मिशन डेटा सेंटर के कंप्यूटर सिस्टम्स में जाते हैं। वहां से वैज्ञानिक उन डेटा को लेकर उसका मूल्यांकन करेंगे। चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट को शिवशक्ति नाम रखने पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अर्थ उस तरीके से बताया जो हम सभी के लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पीएम मोदी ने इसका अर्थ भी बताया है। शिव शक्ति और तिरंगा दोनों भारतीय नाम है। हम जो कर रहे हैं उसका एक महत्व होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये नाम रखने का उनका विशेषाधिकार है। बता दें कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने इससे जुड़े कई वीडियोस भी शेयर किए हैं। इसमें रोवर प्रज्ञान को चांद के रहस्यों की खोज करते देखा जा सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।